feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights. Assalamu alaikum viewers. आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है टोयोटा रश 2018। तो चलिए पहले इसके इंटीरियर के बारे में जानते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा, एक्सटीरियर कैसा है। तो इसमें हमें मिल जाते LED लाइट, डे टाइम रनिंग लाइट्स। इसके जो फॉग लाइट्स है, फॉग लैंप्स है, वो है स्मोक क्रोम। ये टॉप ऑफ द लाइन है, टॉप ऑफ द लाइन एस पैकेज है इसमें सब कुछ। इसके जो फ्रंट ग्रिल है वो भी स्मोक ही ग्रिल है, स्मोक, जैसा कि आप जैसे स्मोक क्रोम है। ये साइड, ये इंडिकेटर हो गए, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इसमें एरोडायनेमिक्स शेप दिए गए हुए फ्रंट बम्पर में भी। चलिए से साइड की तरफ चलते हैं। तो का साइड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कर्व दिए गए हैं। अगर साइड शीशे की बात करें तो इसमें LED इंडिकेटर है साइड शीशे में, साइड मिरर में, और ये रिट्रैक्टेबल प्लस इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है। डुअल VTI इंजन है इसका 1.5 CC, और इसमें हमें स्मार्ट मिलता है, स्मार्ट एंट्री सिस्टम। ये आप देख सकते हैं पीछे से गाड़ी को कंप्लीट LED ब्रेक लाइट्स हैं, साइड इंडिकेटर हो गए, ये रियर वाइपर हो गया विथ हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, और इससे आगे ये देख सकते हैं आप शार्प एंटीना, शार्प एंटीना। ये फ्रंट, ये बैक स्पॉइलर भी दिया गया है इसमें, टोयोटा का मोनोग्राम। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, एस वेरिएंट। टोयोटा रश में तीन वेरिएंट्स थे, एस ऑटोमेटिक, जी ऑटोमेटिक एंड जी मैनुअल। तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है टोयोटा रश का। इसमें ये दो सेंसर दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर्स। ये गाड़ी को पीछे से टो करने के लिए दिया हुआ है। ये रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं पीछे बम्पर में, साइडों में। ये है गाड़ी का दूसरा साइड, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है गाड़ी को। बात कर लेते हैं गाड़ी के व्हील्स की, तो ये 17 इंच रिम दिया गया है इसमें, और ये डनलप के टायर्स दिए गए हैं। चलिए अभी इंटीरियर देखते हैं कि इंटीरियर कैसा है गाड़ी का। स्मार्ट सिस्टम है। ये हो गया साइड दरवाज़ा, साइड डोर। ये मेरे को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करने के लिए, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए पावर बटन, ड्राइवर का जो मिरर है वो ऑटो है। लॉक हो गए शीशे लॉक। ये देखिए कुछ इस तरह का है गाड़ी का इंटीरियर। गाड़ी में बैठने के साथ ही आपको एक स्पोर्टी सी लुक मिल जाती है। हम सीट थोड़ी एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्पीडोमीटर है इसका,
जिसमें क्रोम में भी, इसमें भी क्रोम दिया गया है, स्पीडोमीटर में भी आप देख सकते हैं ये क्रोम साइड क्रोम्स है सब कुछ। ये इसका स्टीयरिंग व्हील हो गया एयरबैग के साथ, ये साउंड को कंट्रोल करने के लिए इसमें ये मोड दिया गया है, और इससे आप अपने मोबाइल पर जब कॉल आती है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इससे उठा सकते हो। इससे पहले वेरिएंट में तो ये सब दिया हुआ था, लेकिन ये फ़ोन वाला नहीं था। ये कन्वर्ट की 7 इंच LED टच स्क्रीन है, मल्टीमीडिया। इसमें ये हमें डुअल जोन ऑटो कंट्रोल AC दिया गया हुआ है, जिसे आप ऑटो कर सकते हैं, ऑन ऑफ AC मोड्स हो गए इसके। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टिचिंग हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये हो गया 12 वोल्ट चार्जिंग के लिए का सॉकेट, ये गियर नॉब जो अभी लॉक है, ये लाइट हो गई, आप अपने सनग्लासेस को रखने के लिए ये जगह दी गई है सनग्लासेस को रखने के लिए। ये सनवाइजर शीशे के साथ, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन है वेरिएंट है, इसलिए इसमें 8 लाउडस्पीकर दिए गए हैं। यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर 8 लाउडस्पीकर इसमें दिए गए हैं। ये इसका अगला साइड डोर हो गया, ये हमारा ग्लव बॉक्स हो गया, थ्री कप होल्डर्स, और सबसे अच्छी बात कि गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है और पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। एवरेज 4.0 किलोमीटर है, ये आप देख सकते हैं गाड़ी को। ये कैनवर्ट का 7 इंच टच स्क्रीन, डुअल ऑटो जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है, यहाँ से हम इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं, AC ऑन ऑफ। ये नॉब शिफ्ट, चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। ये पीछे का दरवाज़ा हो गया, ये कप होल्डर दिया गया, ये आप अपने गिलास वगैरह को, पानी की गिलास वगैरह को रख सकते हैं, और ये लाउड स्पीकर दिया गया है इसमें। कुछ इस तरह का है गाड़ी का पीछे साइड वाला इंटीरियर। अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेग रूम मेरे जो सीट फुल पीछे है, इसलिए लेग रूम बिल्कुल भी नहीं है। अभी सीट को थोड़ा आगे कर से ना, ताकि पता चले कि लेग रूम कैसा है गाड़ी का। अभी मैंने सीट को पूरा पीछे कर लिया, पूरा आगे कर लिया है, अभी ये लेग रूम खासा बन गया है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त लेग रूम बन गया है गाड़ी के अंदर। और ये देख सकते आप रियर पीछे पैसेंजर के लिए कूलर AC का, ये SRS एयरबैग्स गाड़ी में, चूँकि सेफ्टी लिहाज से 3-6 एयरबैग्स दिए गए हैं, 6 एयरबैग्स गाड़ी में दिए गए हैं सेफ्टी के लिए। और ये सबसे अच्छी बात कि पीछे पैसेंजर्स के लिए भी 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, ताकि वो अपनी चीज़ें मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि पीछे साइड वाले, ये पीछे 3 लोगों के बैठने की जगह है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं और एक बच्चा साथ में।
चलिए अभी पीछे ट्रंक की तरफ के देखते हैं कि ट्रंक में कैसा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीट भी सही तरीके से और अच्छी खासी बहुत वो रीज़नेबल जगह बनी हुई है सामान लगेज को रखने के लिए। LED लाइट भी दी गई है। चलो अभी सीट को रिक्लाइन करते ताकि पता चले कि जगह और कितनी बनती है। तो ये दोनों सीट अगर हम इस ऊपर कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जगह बन जाती है अपने लगेज को रखने के लिए। अभी जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पर भी उनके पैसेंजर के लिए भी दिया गया था 12 फॉल्ट का सोकट और यहाँ पर भी दिया गया है जो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, इसमें 8 स्पीकर हैं। तो ये यहाँ पर भी और इस बनने के लिए भी कप होल्डर और इसके लिए भी कप होल्डर और हर किसी के लिए अपने अपने सीट बेल्ट भी दिए गए हैं। ये हो गया इसका बोनट। ये कंप्लीट इंजन 1.5 सीसी 1500 सीसी इंजन है। डुअल VT VTI इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। इसमें सेफ्टी लिहाज पे इसमें ABS ब्रेक्स भी दिए गए हैं और साथ में इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दिए गए हैं। ये अच्छा खासा इंजन इसका हो गया। इसके